अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक जो कुरियर रिटर्निंग के हवाले से है वो पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हुई है, ख़ासतौर पर जो कमिटेड वर्कर होते हैं उनके हवाले से। पहले ये रूल था, अगर कोई वर्कर कंपनी अपनी चेंज करता था तो उसको आके एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो अब नवंबर के थर्ड जो तीसरा हफ्ता है, इसमें एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई कोरिया ने कि अगर कोई वर्कर अपनी कंपनी चेंज भी कर ले तो वो एज ए कमिटेड वर्कर ही कहलाएगा और आगे डॉक्यूमेंट जमा करा के दोबारा अपने कोरिया के लिए अप्लाई कर सकता है, कोरिया जा सकता है। लेकिन शर्त उसके अंदर क्या है कि कम से कम एक साल से ज़्यादा काम किया हुआ उसने, एक साल से ज़्यादा काम किया हो और वहाँ पे कंपनी में मेहनत से काम किया हो, बिहेवियर अच्छा हो और मतलब मालिक की चॉइस हो, मालिक पसंद करता हो उसको, तो लाजिम है तो मालिक उसको एक लेटर दे देगा, वो यहाँ के जमा करा देगा वो। अच्छा, ये जो कैटेगरी होगी वो सेम कैटेगरी होगी उनकी। मिसाल के तौर पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो वो दोबारा आकर मैन्युफैक्चरिंग में ही अप्लाई कर लेगा, जा सकता है। फिशरी वाला होगा फिशिंग में चला जाएगा और ज़रात वाला ज़रात में जाएगा, और जो मकसद जो सेम कैटेगरी होगी वो उसी कैटेगरी में दोबारा जाके जॉब कर सकता है। और जो वर्कर वहाँ मौजूद हैं उनसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना काम जिस कंपनी में भी हो, मेहनत से, ईमानदारी से और काम को समझने की और समझ के करने की कोशिश करें ताकि मालिकान आपको पसंद करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोबारा बुलाने के लिए कोशिश करें। अक्सर ये होता है लड़के वहाँ पे उनका बिहेवियर सही नहीं होता या काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन आते आते किसी न किसी से कोई ऐसी बात कर जाते हैं मालिक से या किसी स्टाफ से, मैनेजर से, जिससे उसका वो बिहेवियर वहाँ पर मिसबिहेवियर में आ जाता है। मुझे ये उम्मीद है कि ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, ये जो लोगों को कन्फ्यूजन थी कि भाई कमिटेड वर्कर और जो जिनको आगे टेस्ट देना होगा वो क्या चीज़ है, तो ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अक्सरियत जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करना पसंद करते हैं। पहले शुरू में हमारे फिशरी में भी गए, ज़रात में भी गए, लेकिन क्या हुआ कुछ अरसे बाद फैक्ट्रियाँ चेंज कर कर के मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते, किसी फैक्ट्री में चले जाते थे। तो इससे एक हमारे यहाँ फ़र्क क्या हुआ कि जो दूसरे रास्ते जाने के दूसरी कैटेगरी के वो बंद हो गए थे और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के जो शोबे में थे लोग जाते थे। इस वजह से हमारे पाकिस्तानी को जाने का रेशो भी स्लो था और कम था बनिस्बत दूसरे ममालिक के, क्योंकि दूसरे ममालिक के जो 5-6 कैटेगरी हैं सब कैटेगरी में जाते हैं, इसलिए उनकी तादाद ज़्यादा होती है। हमारी कैटेगरी में एक ही कैटेगरी और समझो एक तरह से लाइन लगी हुई वर्करों की, तो इसलिए वो थोड़ा सा लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। मुझे उम्मीद है जो यहाँ से जाएगा, जाने वाले हैं, काम करेंगे, मेहनत से करेंगे ताकि मालिक की चॉइस बने। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो नए जो अगले साल जो आने वाला टेस्ट है उसके लिए लोग प्रॉपर तौर पर जो ओबीसी का इदारा है कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कोयटा में है, जहाँ जहाँ हमारे इदारे में ओवरसीज़ के इदारे में कुरियन लैंग्वेज कराई जा रही है, कोशिश करें आप वहाँ से जाकर पढ़ें। क्योंकि वो लोग सिर्फ वो चीज़ पढ़ाते हैं जो टेस्ट से रिलेटेड होती है, बनिस्बत दूसरे इदारों में जाएंगे, प्राइवेट जगह जाएंगे, एक तो वो इधर उधर घुमाते हैं और टाइम पीरियड इतना खींचते हैं कि लोग समझते हैं कि हाँ भी हमें बहुत पढ़ा दिया, बहुत ही हो गया, लेकिन बाद में उनका रिज़ल्ट समझे ना होने के बराबर होता है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ओईसी का जो रिज़ल्ट होता है सबसे बेहतर होता है। तो और क्योंकि वो इदारा भेजने वाला इदारा भी है तो उनको हर चीज़ के बारे में मालूम है। तो आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ओईसी के इदारों में जाएँ, वहाँ पर कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट करने के लिए तैयारी करें, वहाँ पर क्लासेस जो हो रही हैं उसको ज्वाइन करें, उसमें एडमिशन लें।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।